छिंदवाड़ा जिला के चरई विधानसभा में अवैध शराब का व्यापार मनमानी तरीके से चल रहा है। ग्राम पंचायत के मुखियों के साथ ग्रामीण जन थाना पहुंचकर अवैध शराब बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन शराब बंद करने में अभी तक नाकाम है। धड़ल्ले से चल रहा अवैध शराब का व्यापार, ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जुरदुरा की महिलाओं ने अवैध शराब बंद को लेकर थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन अवैध शराब का व्यापार जोरों से चल रहा है। वही रामगढ़ की पंचायत से जानकारी ली गई तो बताया गया है कि हमने लिखित शिकायत थाने में दी है, लेकिन अभी तक अवैध शराब बंदी नहीं हुई है। ग्राम पंचायत रामगढ़ के उप सरपंच मिश्रीलाल त्रिकाम ने मीडिया को जानकारी में बताया है कि थाना में अवैध शराब बंद को लेकर लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अभी भी अवैध शराब का व्यापार बंद ही है। हमने लिखित शिकायत में उन व्यापारियों के नाम बताए हैं जहां पर अवैध शराब निडरता से बेची जा रही है। कुंडा से सप्लाई गांव गांव में जाकर छोटी छोटी कुचियों में शराब भेजी जाती है, जहां पर व्यापारी धड़ल्ले से निडरता पूर्वक अवैध शराब का व्यापार कर रहा है। मैं उप सरपंच पुलिस विभाग से यह मांग करता हूं कि अवैध शराब का व्यापार बंद किया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। ग्रामीण जन अवैध शराब को लेकर बहुत आक्रोशित है। यदि पुलिस विभाग अवैध शराब को बंद नहीं करेगा तो ग्रामीणों के साथ जाकर थाना में धरना दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी पुलिस विभाग को दी गई। जी क्या नाम है? मिश्रीलाल त्रिकाम, ग्राम पंचायत उप सरपंच रामगढ़। जी क्या समस्याएं हैं? समस्या ग्राम में अवैध शराब बिक्री का मामला, इसके विषय में एक महीने पूर्व हमने पुलिस को अवैध शराब से संबंधित कार्रवाई के लिए पंचायत द्वारा लेटर पेज में आवेदन दिया था। जी जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यदि कार्रवाई हुई होगी तो मामूली हुई। क्या आपके क्षेत्रों में अभी शराब बिक्री हो रहा है? धड़ल्ले से बिक रही है, गांव में चार चार पांच पांच दुकानें हैं और हमने नामजद कार्रवाई के लिए आवेदन किया था, जहाँ पर अभी तक कोई शराब बंद नहीं हुई और गाँव में आए दिन वाद विवाद हो रहे हैं और घरेलू हिंसा बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तो आप पुलिस विभाग से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारी मांग है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करके और पूर्ण रूप से यहाँ शराब बंद करें, अन्यथा पंचायत के और महिलाओं का सहयोग लेकर धरना आंदोलन थाना भी किया जाए। यदि पुलिस विभाग ने यदि आपकी बातों को ना सुना तो उस क्या करेंगे? पुलिस विभाग ने हमारी बातों को नहीं सुना तो हम धरना आंदोलन करेंगे ना, थाना का घेराव करेंगे महिलाओं का सहयोग लेके। क्या आपके क्षेत्रों में शराबियों द्वारा हड़कंप मचा हुआ? हड़कंप मचा हुआ है, अभी दो दिन से तो भारी हड़कंप मचा हुआ है। क्या हुआ? कल एक बेरोजगार लड़का जो स्कूल में बेंच चलाता है, उसकी बेन को एक शराबी ने पत्थर मार के कांच फोड़ दिया है। जी वो मामला भी शायद हमने रिपोर्ट किया है। जी और पंचायत के अंदर भी लोग शराब पी के कुछ घटनाएं घट रही है। जी अब हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना पंचायत, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। शराब तो खुलेआम बिक रही है यहाँ जी, और लड़ाई विवाद के झगड़े भी रोज यहाँ आते जी, और ग्राम पंचायत में भी शराब पीकर आकर आदमी यहाँ खुलेआम हमारे कर्मचारियों को गाली से सब गाली देते हैं। मैं वहाँ भी आवेदन दिया हूँ और अपने एसपी साहब को भी दिया हूँ और कलेक्टर महोदय को भी दिया हूँ, अभी तक तो कोई जाँच में आए नहीं है यहाँ जी। एनबीसी न्यूज़ के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट।